सो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर ₹15,000। सो अगर आपका बजट 10 से 15,000 का है और इस प्राइस रेंज में अपने लिए इस समय पर एक बेस्ट कैमरा फोन परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अगर आप वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी ज्यादा करते हैं, मतलब रील्स वीडियो या फिर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जिनमें आपको प्रो ग्रेड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा प्राइस के अकॉर्डिंग। जैसे कि गाइस, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और फ्रंट कैमरे से सुपर स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे और रियर कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कैमरा सेटअप तो काफी अच्छे देखने को मिल ही जाएंगे इन सभी स्मार्टफोन में, लेकिन उसके अलावा बाकी के फीचर्स भी काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि गाइस, 6000 mAh तक की बैटरी देखने को मिलेगी और उसी को तेजी से चार्ज करने के लिए सुपर फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और कुछ 5G फोन भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको एक 5G फोन चाहिए जिनमें काफी अच्छा कैमरा सेटअप भी हो तो वो भी फोन आपको देखने को मिल जाएगा अंडर 15,000। बाकी सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 120 हर्ज रिफ्रेश रेट तक का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं गाइस, इन सभी स्मार्टफोन में आपको पावरफुल परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा जिससे आप अच्छे खासे गेमिंग भी कर पाएंगे। सो गाइस, फीचर्स तो काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे क्योंकि हमने 5 ऐसे स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है जो कि बेस्ट है इस समय पर। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी स्मार्टफोन के बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कर लेना। सो शुरू करते हैं गाइस नंबर 1 से, और नंबर 1 पर हमने रखा है Realme 8 को। इस स्मार्टफोन को मैं वन ऑफ द बेस्ट मानता हूँ अंडर ₹15,000, क्योंकि इस स्मार्टफोन में कैमरा सेटअप तो काफी कमाल का देखने को मिल ही जाता है, उसी के साथ डिस्प्ले भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और काफी पावरफुल गेमिंग चिपसेट भी देखने को मिल जाता है। तो जानते हैं कि Realme 8 में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले कैमरा सेटअप के बारे में। तो Realme 8 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि सैमसंग की तरफ से सेंसर आता है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए दिया गया है, और दो और सेंसर देखने को मिल जाएंगे 22 मेगापिक्सल के जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सोनी का IMX471 का सेंसर देखने को मिलेगा, तो इमेजेस काफी अच्छी देखने को मिल जाती है क्योंकि सोनी का सेंसर है। बात करते हैं कि रियर कैमरे में क्या क्या देखने को मिलता है। तो 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, साथ में स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसके आउटपुट की बात करें तो 720p तक कर पाएंगे। बाकी नाइट मोड या फिर पोर्ट्रेट मोड, ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो कैमरा सेटअप काफी अच्छा देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरे से 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps तक। इसी के साथ रियर कैमरे में 10x तक डिजिटल जूम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बात करते हैं Realme 8 में डिस्प्ले कैसा देखने को मिलता है। तो 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 430 nits तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी और हार्श कंडीशन में 600 nits तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। एंड फॉर स्मूथ रिस्पांस 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है, तो डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहने वाला है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन Realme UI 2.1। इसी के साथ इसमें लगा हुआ है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। बाकी ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो 2 SIM और 1 memory card लगा पाएंगे। 4G नेटवर्क के साथ आता है और बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है, लेकिन डिजाइन वगैरह ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, अच्छा अट्रैक्टिव सा डिजाइन है। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, उसी को तेजी से चार्ज करने के लिए 30W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek G95 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक गेमिंग चिपसेट है, तो गेमिंग में या फिर मल्टीटास्किंग में किसी भी तरह का इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, अच्छा खासा गेम प्ले कर पाएंगे। और ये फोन काफी लाइट वेट है। इस फोन की थिकनेस की बात करें तो 8mm की थिकनेस देखने को मिलेगी, तो काफी स्लिम डिवाइस है। अगर आपको लाइट वेट या फिर हैंडी सा स्मार्टफोन चाहिए तो इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो, ओवरऑल काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। खैर, बात करते हैं कि Realme 8 की प्राइस कितनी है। तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए ₹14,999 पे करने होंगे, अराउंड 15,000 के आसपास ये देखने को मिल जाता है। कभी कभी ये फोन 14,000 के आसपास ही देखने को मिल जाता है ऑफर वगैरह में, तो अगर आपको अभी परचेज करना है तो कर सकते हो या फिर ऑफर के लिए वेट कर सकते हो।
और दोस्तों नंबर टू पर हमने रखा है सैमसंग गैलेक्सी M31 को। अब ये फोन थोड़ा सा पुराना है बट कैमरा डिपार्टमेंट में अभी भी ये फोन बेस्ट है। वैसे तो गैलेक्सी M32 भी ले सकते हो लेकिन अगर हम कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो गैलेक्सी M31 में ज्यादा बेटर कैमरा देखने को मिलता है। तो हम बात करने वाले हैं M31 के बारे में। गैलेक्सी M31 को मैं ऑलराउंडर मानता हूँ क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है और दो और कैमरे देखने को मिल जाते हैं 5.5 मेगापिक्सल के जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। इसी के साथ इस फोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। रियर कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसी के साथ स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो काफी सही बात हो जाती है। कैमरा सेटअप काफी अच्छा देखने को मिलता है। 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, उसी को तेजी से चार्ज करने के लिए 15 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। और इस फोन के बैटरी लाइफ की बात करें तो 9 से 10 घंटे तक इसकी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी तो काफी सही बात हो जाती है, पूरा दिन आसानी से चल जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद 60Hz रिफ्रेश रेट। तो हायर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है बट बिलीव में इस फोन का डिस्प्ले काफी अमेजिंग देखने को मिलेगा। बायोमेट्रिक की बात करें तो रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाते हैं। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है बेस्ड ऑन वन UI 2.1। एंड्रॉइड 11 का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। और इस फोन की थिकनेस की बात करें तो 8.9 mm की थिकनेस देखने को मिलेगी जबकि 6000 mAh की बैटरी है तो थिकनेस को काफी अच्छे से मेंटेन किया है। इन हैंड फीलिंग काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, बाकी पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी। बात करते हैं इस फोन में प्रोसेसर कौन सा देखने को मिलेगा तो सैमसंग का ही एक्जिनोस का 9611 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है। गेम वगैरह अच्छे से प्ले कर पाएंगे, कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है बट सॉफ्टवेयर काफी अच्छा देखने को मिलता है तो ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस काफी अच्छा निकल के आता है। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31 की प्राइस कितनी है तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 14,999 रुपए पे करने होंगे, अराउंड 15,000 के आसपास देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज देखने को मिल रहा है। 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल गैलेक्सी M31 में काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। और दोस्तों नंबर 3 पर हमने रखा है मोटो G40 फ्यूजन को। अब इस फोन में हमें कैमरा तो अच्छा देखने को मिल ही जाता है लेकिन बाकी के फीचर भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर अदर स्मार्टफोन। चलिए डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या इस फोन में हमें देखने को मिल जाता है। शुरुआत करेंगे इस फोन के बैटरी से तो 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 20 वॉट फास्ट चार्जर। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले काफी अमेजिंग देखने को मिलेगा, 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलता है लेकिन 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ HDR10 सर्टिफाइड है तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और ये फोन एकलौता ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है वो भी 12,000 से 13,000 के प्राइस पॉइंट पे। और ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है तो एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे या फिर दो सिम कार्ड लगा सकते हैं। 4G नेटवर्क के साथ आता है। इसी के साथ रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और फेस अनलॉक का फीचर तो देखने को मिल ही जाएगा। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है तो किसी भी तरह का ब्लॉटवेयर या फिर एड्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, काफी क्लीन UI दिया गया है। और इतना ही नहीं गाइज, इस फोन में आपको एंड्रॉइड 12 और एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी देखने को मिलेगा। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ट्रिपल डीआर कैमरा देखने को मिलेगा, प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि मैक्रो लेंस है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंचुअल कैमरा देखने को मिल जाता है। रियर कैमरे से अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट कैमरे से भी UHD वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS तक। प्रोसेसर की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 732G का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक गेमिंग चिपसेट है तो गेमिंग वगैरह में कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है अंडर 15,000। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 14,499 रुपये पे करने होंगे लेकिन अगर आप इसे सेल वगैरह में परचेज करते हैं तो 13,500 के आसपास ही देखने को मिल जाता है। तो वन ऑफ द बेस्ट फोन है अंडर 15,000, चाहे वो कैमरा वाइज हो, बैटरी वाइज हो, डिस्प्ले वाइज हो, ये सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं तो जरूर से चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों नंबर 4 पर हमने एक काफ़ी स्टाइलिश डिवाइस को रखा है, Redmi Note 10s को। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा डील देखने को मिलता है Redmi की तरफ से 14,000 से 15,000
के प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। शुरू करते हैं इस फोन के लुक्स और डिज़ाइन से। तो इस फोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता है। इस फोन में हमें 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। डिस्प्ले वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। वहीं पर प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek G95 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक गेमिंग चिपसेट है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिला है। तो गेमिंग वगैरह में या फिर मल्टीटास्किंग में किसी भी तरह का इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपको UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिलता है, तो डेटा ट्रांसफर काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे। और इस फोन में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाएगा बेस्ड ऑन MIUI 12। और Redmi Note 10s की कैमरा सेटअप की बात करें तो इस फोन में काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा देखने को मिलता है। क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल के बोके इफेक्ट के लिए देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो फोटो के लिए देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और हाँ, ये फ़ोन भी अगेन 4G नेटवर्क के साथ आता है। और बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ आपको 33 वॉट का चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और प्राइस की बात करें तो 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 14,999 रुपये पे करने होंगे, मतलब 15,000 के आसपास ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 33 वॉट का चार्जर देखने को मिल रहा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज देखने को मिलता है Redmi की तरफ से। और दोस्तों, लास्ट में नंबर 5 पर हमने रखा है Realme Narzo 35G को। अब ये एक 5G फोन है, लेकिन इस फोन में हमें कैमरा सेटअप भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अब इस फोन में 7 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी 15,000 से नीचे, तो काफ़ी कमाल की बात हो जाती है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि Realme Narzo 35G में क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं लुक्स और डिज़ाइन से। तो डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। पर्सनली मुझे इस फोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाती है, 8.5mm की थिकनेस दी गई है, तो ये फोन ज्यादा मोटा भी नहीं है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा इस फोन में भी। डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलेगा। ये फोन भी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, हाई रेस ऑडियो सर्टिफाइड है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, सैमसंग का सेंसर है। सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है। और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा। रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसी के साथ स्लो मोशन और भी बहुत सारे कैमरे फीचर दिए गए हैं। Dimensity 700 का 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा। अंततः स्कोर की बात करें तो 3 लाख के आसपास देखने को मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस में कोई गैप देखने को नहीं मिलेगा, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। इसी के साथ UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है। उसी के साथ 18 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन Realme UI 2.0। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फोन में 7 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं, तो ये एक फ्यूचर प्रूफ 5G फोन है, तो इस फोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। Narzo 35G की प्राइस की बात करें तो 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 15,999 रुपये पे करने होंगे, अराउंड 16,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, जिसमें 6GB रैम है और 128GB स्टोरेज है, इसलिए इस फोन का 1,000 ज़्यादा प्राइस है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा डील देखने को मिल जाता है Realme की तरफ से, काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है अगर आपको ज़्यादा 5G बैंड चाहिए या फिर एक अच्छा सा डिज़ाइन चाहिए। सो गाइज, यही थे कुछ बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर ₹15,000। इनमें से आप किसी को भी पिक कर सकते हो बेफिक्र, लेकिन आपको अपने हिसाब से चूज करना है, अपने यूजेस एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है कि आपको बड़ी सी बैटरी चाहिए या फिर 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले चाहिए या फिर तगड़ा सा प्रोसेसर चाहिए या फिर 5G फोन चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इस समय पर जो भी बेस्ट कैमरा फोन थे वो सभी मैंने आपको बता दिया है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब मारो। बाकी अभी भी आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।